फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं फिर आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ, जो कि छोटे पतले बाल हैं तो भी ये हाई बन हेयर स्टाइल बना सकते हो। बहुत ही अच्छा लगेगा, मैसी सा लुक आ जाएगा आपके बालों में और जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपने बालों को एक हाई पोनी टेल बनानी है। हाई पोनी टेल बनाने से पहले जहाँ जहाँ से आपको लेयर्स निकालनी है वो आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा वीडियो। पहले अपने हाथों से अपने बालों को होल्ड कीजिए, अच्छे से पकड़ लीजिए चारों तरफ से। अब आपको देखना है कि आपको लेयर्स कहाँ से निकालने हैं। हाँ, इस हेयर स्टाइल में आपको लॉन्ग लेयर्स निकालने हैं, शॉर्ट लेयर्स नहीं चलेंगे। ओके, तो लॉन्ग लेयर्स निकालने हैं। तो ये मैंने फर्स्ट लेयर निकाला है, सेकेंड में यहाँ से निकाल रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से निकालने हैं। देख के, मेरे यहाँ पे तो हेयर ही नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, तो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ और थोड़ा नीचे से निकाल लूँगी। ओके, इसी तरीके से निकालने हैं ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है, अगर यहाँ पे भी हेयर कम है तो आप इस तरीके से थोड़ा ऊपर से ले लीजिए, लेकिन निकालिए जरूर। ये हेयर स्टाइल आपको लेयर्स के साथ ही अच्छे लगेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से निकाल लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो बैक में ले जाएंगे और फिर लेयर्स को निकालेंगे। ओके, अब आपको जितने लेयर्स निकालने हैं उतने तो आपने निकाल लिए। अब बैक से भी एक दो लेयर्स निकाल लीजिए। अभी अगेन आपको अपने बालों में कॉम करना है। बिल्कुल हाई पोनी बनानी है और एक रबड़ बैंड से अच्छे से रबड़ बैंड को लगा लेना है। रबड़ बैंड लगाने के बाद से आपको थोड़ा थोड़ा सा बालों को खींचना है, जिससे कि आपका जो फ्लैट लुक है, क्राउन एरिया पे कम हेयर है तो वो हाइड हो जाए अच्छे से। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बस थोड़ा थोड़ा सा बैक से भी। अभी आपको क्या करना है, जितने भी हेयर हैं इनको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके इस तरीके से रबर बैंड में होल करना है टाइटली, और ये ट्विस्टिंग हेयर को इस तरीके से निकालना है। ओके, देख सकते हो। अब इस तरीके से करने के बाद से थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींचना है। जिससे कि आपका मैसी बन अच्छे से बन के रेडी हो जाए। जैसे मैं खींच रही हूँ वैसे ही खींचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी आप पतला सा लेयर लो और उसको खींच के अपने बालों को मैसी सा लुक दे दो। अब जो आपका हेयर बचा हुआ था इसको भी ट्विस्ट करना है, देन रबड़ बैंड को थोड़ा सा इस तरीके से, सॉरी रबड़ बैंड ज़्यादा ही टाइट हो गया है, इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करना है और बचे हुए हेयर को इसके अंदर से निकाल लेना है। देन अगेन इसमें से इस तरीके से इसको खींच के मैसी सा लुक देना है। कहीं से भी खींच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से मैं खींच रही हूँ वैसे ही खींचना है। अब आपको लेना है यू पिंस और थोड़ा सा इस तरीके से फंसाओ कहीं भी यू पिंस को, इस तरीके से पकड़ पकड़ के। बस मैसी सा लुक आना चाहिए बालों में। कोई सा भी लेयर लीजिए और इस तरीके से यू पिन की मदद से इसको सिक्योर करते जाइए।
अच्छे से इस तरीके से यूपिन से होल्ड करते हुए कहीं से भी कोई सा भी लेयर ले जाके बस आपको मैनेज होना चाहिए आपका बन, या ऐसा ना हो कि मतलब अनमैनेज सा लगे, जैसे सेंटर में होना चाहिए। वाह, तो ये मैसी सा बन मेरा बन के लगभग रेडी हो चुका है। तो इसको आप पार्टी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो, एंड घर पे बनाना है आप घर पे भी, जैसे कोई छोटा मोटा फंक्शन है, आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हल्के हैं तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। मैसी बन के साथ आपका हाई बन भी बन के रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद से आपको अपने बालों में थोड़ा सा पफ का लुक देना है तो आप दे सकते हो। और ये हमारा हेयर स्टाइल लगभग बन के रेडी हो चुका है, तो अभी मैं इसका फाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जो आपके बैक में मैंने लेयर्स छुड़वाए थे वो सारे आपके फ्रंट में रहेंगे इस तरीके से। और आपको हेयर स्टाइल को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे लगाना है। और एक और टिप दे देती हूँ, जब आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं हो तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, आपको लेना है मस्करा। मस्करा को ऐसे बैक साइड से जो भी हेयर दिखते हैं उन पे लगा के इस तरीके से आप अच्छे से होल्ड कर सकते हो। एकदम सेटिंग स्प्रे का काम करते हैं और आपका हेयर अच्छे से होल्ड हो जाता है। मस्करा में बस यही भी दिक्कत है कि वो ब्लैक होता है, कहीं लग ना जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा हाई बन बन के रेडी हो गया है, जो कि गर्ल्स के ऊपर बहुत प्यारा लगने वाला है गाइस, तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो इसी तरीके की इजी इजी ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइल्स की, अब देखिए ये हेयर है, अक्सर हमारे बैक में इस टाइप के हेयर होते हैं जो कि बहुत हमको परेशान करते हैं। तो इस आपको उंगलियों पे अपने थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लेना है और इसको सिंपली नीचे की तरफ से ऐसे कर देना है, तो ये आपका हेयर जैसे मैनेज हो जाएगा और आपका जो लेयर निकला हुआ है वो भी मैनेज हो जाएंगे। तो ये है हमारे बन का फाइनल लुक। आप चाहो तो ये पीछे भी रख सकते हो अपने लेयर्स। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे। इसके साथ आप इस तरीके के झुमके मत पहनिएगा बिल्कुल भी, बड़ी बड़ी इयररिंग्स ट्राई, बड़ी बड़ी बालियों वाली इयररिंग्स ट्राई कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो मेरे पास अभी ये वाली है तो मैं यही पहन के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वेस्टर्न ड्रेस के साथ ये हेयर स्टाइल जाएगा। तो आपको बड़ी बड़ी बालियाँ या फिर वेस्टर्न लुक में जो टॉप्स होते हैं वो पहन सकते हो। बाय बाय।